45 सेक्टर के अंतर्गत खड़ा हूं और समाजवादी पार्टी के यहां सुरेंद्र ठाकुर जी खड़े हैं समाजवादी पार्टी से, और इनका कहना है कि जो पूर्व पार्षद हैं उन्होंने 45 सेक्टर के अंतर्गत वो कार्य नहीं किए जिससे जनता नाराज है। सर, 45 सेक्टर के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल रहा है सर इस चुनाव के अंतर्गत? सर, समाजवादी पार्टी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पहले तो बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना विश्वास मेरे ऊपर जमा और हम अपना साथ दिए मेरे साथ रखा। और अगर ही हमारे वार्ड की बात, तो वार्ड में भाई साहब देखना क्या, जब दिखा ही कुछ नहीं हमें, देखे तो तब अगर कुछ विकास हुआ हो और कुछ नहीं हुआ हो उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना कि भाई इतना क्यों हो गया, हमें तो काम ही यहाँ जीरो से शुरू करना है। यहाँ पे तो प्रोग्रेस नाम की कोई भी चीज़ नहीं, चाहे आप पार्क की समस्या ले लो, पेड़ों की समस्या ले लो, सड़क की समस्या ले लो, पानी की समस्या ले लो, गली की समस्या ले लो, और कितनी की समस्या जी। सर, जैसा कि 45 के अंतर्गत अगर लोगों के कार्य नहीं हुए, जो यहाँ के निवासी हैं वो परेशान हैं, फिर भी बीजेपी की पार्टी ने फिर से दोबारा कैंडिडेट वही उतार दिया, क्या रीज़न? ऐसा तो नहीं, हमारा वार्ड अलग हो गया जी, तो पूर्व पार्षद या 45 जो है वो अभी जो अपने वार्ड नए वार्ड बने हैं उसमें 45 और 46 एक वार्ड हो गया और बुढ़ेल को अलग कर दिया। अलग, अब जो हमारे पार्षद यहाँ से थे वो बुढ़ेल से उनको टिकट दिया। ठीक है, अब उनका जातीय समीकरण है कुछ वहाँ पे, तो उस वजह से दिया, तो वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है। और जो पार्षद 46 के थे उनको टिकट नहीं दिया बीजेपी की ओर से, तो उनको पता लग गया कि भाई उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नहीं है, उनको आगे टिकट दिया गया। तो आपकी पार्टी सर यहाँ पे पहली बार चुनाव लड़ रही है नगर निगम का, आपको क्या लगता है कि आपके सारे पार्षद यहाँ से जीतेंगे? अब देखो, अभी मुझे जहाँ तक पार्षद जीतने की बात है तो मुझे लगता है सबकी स्थिति इस समय बहुत अच्छी है। आने वाले समय में दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पे चुनाव को प्रभावित कर रही है। कुछ चीज़ें हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो धन और छल बल से जो है मजबूत है और हमने तो इस वजह से वो जीतेगी। कुछ EVM का भी है मेहरबानी इन लोगों के ऊपर, तो अभी सारी मेहरबानियाँ इन लोग पार्टियों के ऊपर है, तो उस वजह से तो हम मात खा सकते हैं, लेकिन जनता का समर्थन हमारे साथ पूरा है। आपको क्या लगता है कि जनता इस बार जो है बीजेपी और कांग्रेस को दरकिनार कर रही है? भाई साहब, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरा हमारा कॉम्पिटिशन किस पार्टी के साथ है। थैंक यू सर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जयराम ठाकुर यहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे हैं चंडीगढ़ के अंतर्गत, सुरेंद्र ठाकुर जो कि हिमाचल से ही बिलोंग करते हैं, तो इनका कहना है कि इनका मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे कैंपेनिंग करता है एक पार्षद के लिए तो ये पार्टी के लिए भी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के लिए सर्वनाश होगा। मैं सुरेश पांडे, राष्ट्रीय खबर टीवी चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।